हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल लगाई थी मैंने वैक्सीन, अराउंड 17 से 18 घंटे हो गए हैं। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बट सडनली अभी मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो गया और हल्का हल्का फीवर भी मुझे लग रहा है। तो जल्दी से जाएंगे, पहले तो ब्रेकफास्ट करता हूँ और दवाई लेता हूँ मैं, कहीं बढ़ ना जाए, बिकॉज आज मुझे मार्केट जाना है, काफ़ी काम है। मम्मी ने कल ही बोल दिया था कि तेरे को फीवर जरूर होगा, हमको भी हुआ था बट मुझे कल तो हुआ नहीं। चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर दवाई लेते हैं। चले औरी चले, इसको बस ऐसे करते रहो, इसको अच्छा लगता है ऐसे करने में। आंखें बंद कर लेते हैं। चलो औरी, क्या कर रहा है? तो फिलहाल अभी ओरियो कुनाली को उठा रहा है। उठा उठा वहां भाई, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? गिर जाओगे। दो पैरों पे खड़ा है ये, देखना। तो अभी जो है घर में दो छोटे छोटे बच्चे हो चुके हैं, एक कुनाली और एक ओरियो। ओरियो को बस छोटे बच्चे ही चाहिए, इसको कुनाली मिल गया सही है, इसके हाथ में रहता है अभी। इस घर की सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि मंदिर यहीं पे ही है। देखो वहाँ पे मम्मी जी पूजा कर रहे हैं ना अभी, तो कहीं से भी आओ, कभी भी आओ, तो सीधा मंदिर में नजर पड़ती है और सीधा प्रणाम करते हैं तो अच्छा लगता है। और मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जैसे ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो ये मंदिर दिखता रहता है, तो एक पॉजिटिविटी आती है। जब मैं एडिट करता हूँ तब भी, जब मैं शूट करता हूँ, जब भी हम अंदर आते हैं तब। तो गाइस, मेरा सिर दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, दवाई भी ले लिया, बट स्टिल। तो फिलहाल अभी पीयूष भी उठ चुका है, तो फिलहाल चलते हैं ओरियो के लिए पनीर लेके आना है। इसका पनीर खत्म हो गया, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ताकत नहीं आ रही बॉडी में, बट जाना तो पड़ेगा यार, नहीं तो ओरियो भूखा रह जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद कैसा होता है आपको पता हुआ? आप सबने तो लगाई ली होगी। फिलहाल चलते हैं धीरे धीरे और पनीर लेके आते हैं। इसका देखना कैसे सोया हुआ है। ओलू पीयूष, चल चल, कौन सी बाइक ले जाएं? अच्छा ये वाली बाहर खड़ी, ये ले आते हैं। अब तो ना हाथ को ऊपर करने में ना हाथ में भी पेन हो रहा है, जहाँ पे वैक्सीन लगी थी ना। धीरे धीरे वैक्सीन अपना रंग दिखा रही है। कहाँ पर लगी थी वैक्सीन? यहाँ पे लगी थी, दर्द हो रहा है। कल तो नहीं हुआ, पता नहीं अभी हो रहा है। यहाँ पे नहीं, ऊपर लगती है। फिर तो आज तो साहिल लगी ड्यूक 250 चलाओगे। और गाइस, आज साहिल और पापा जी नहीं है, वो हरियाणा गए हुए हैं, इसीलिए नहीं तो उनसे मंगा लेते। इसीलिए साहिल ने वैक्सीन लिया, क्योंकि उसको जाना था ना हरियाणा। मस्त लग रही है यार। तो सामान लेके आ गए, कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं ज्यादा। ओली सरदा आ गए हैं, सरदा आ गए हैं। ओलू क्या चेक करता है? क्या हुआ? क्या हुआ? ओली क्या हुआ? इसको पता नहीं क्या हो गया, कहीं नहीं जा रहे। ओलू क्या हुआ? भाई ऐसा तो मैं एक महीने बाद आया तब भी नहीं करता, आज पता नहीं क्या हुआ। आज ज्यादा प्यार आ रहा है। ओलू मेरे पास भी आ जा, छोड़ो छोड़ो सही करता, मेरे पास भी आ रहा है। तो गाइस अब एक काम करते हैं, लेट्स अनबॉक्स दिस न्यू प्रोडक्ट व्हिच आई रिसीव्ड फ्रॉम नॉइस फ्यू डेज बैक। तो इसमें है नॉइस की कलर फिट पल्स वॉच। आपको पता ही है नॉइस की मैंने पहले भी वॉच यूज किया है, कलर फिट प्रो 2, जो कि अब साहिल है उसमें से कोई यूज कर रहे हैं। और इसके ईयरबड्स भी हैं मेरे पास, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और साथ में सबसे मेन इनका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है, मतलब अराउंड एक हफ्ते इसकी बैटरी चल जाती है। अभी रिसेंटली नॉइस ने ये नॉइस की कलर फिट पल्स लॉन्च की है, जिसमें वो सारे फीचर्स हैं कलर फिट प्रो 2 वाले, और साथ में इसमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल मीटर और हार्ट रेट मॉनिटर भी है, और दूसरे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे कि फाइंड माय फोन, कॉल रिजेक्शन, म्यूजिक कंट्रोल। हम म्यूजिक को डायरेक्टली इससे कंट्रोल कर सकते हैं, पॉज प्ले कर सकते हैं, बस अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट करना है फिर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है स्मार्ट वॉच की, वो बैटरी बैकअप। अगर बैटरी बैकअप सही हो फिर उनकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी सही है। और साथ में ये इंडियन ब्रांड है तो क्वालिटी के साथ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और नॉइस की अभी एनिवर्सरी डे सेल चल रही है, जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वॉच को बाय करोगे। अगर और भी प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं, सभी पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वॉच से हम सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से करके, ये देख। और सारे कॉल्स वगैरह भी शो होते हैं इस पे। ये देखो मैंने मम्मी वाले फ़ोन से कॉल किया तो इसमें दिखा रहा है, तो यहाँ से हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं।
साहिल पापा जी और चाचा जी गए हैं हमारे हरियाणा वाले घर में, पुराने वाले में कुछ इंपॉर्टेंट काम थे वहाँ डॉक्यूमेंट के वो करने के लिए। बाकी हम मम्मी चाची मैं और पीयूष हैं बस यहाँ पे। इसलिए साहिल ने वैक्सीन नहीं लगवाई, नहीं तो उसकी भी लगवा देता मैं कल। तो गाइस बड़े मम्मी और मम्मी और मैं बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हो? मेरे लिए क्या लाओगे? जो भी आप कहोगे। मेरे लिए कुरकुरे ले आओगे? हाँ। आप इतने छोटे क्यों हो? क्योंकि मैं कम खाता हूँ। खा लो, फालतू नहीं, मैं बीमार होने के बाद भी लेके आया हूँ, खा ले इसको। कुनाल एक काम कर सकते हो, खाना छेड़ सकते हो इसका, छेड़ दो यार एक बार खाना। अजी भाई अभी छेड़ने के बाद खाता है। मम्मी तो तैयार हो गई है मार्केट जाने के लिए। मैं छोड़ के आऊंगा मार्केट? तो कैसे जाओगे? चाची भी जा रही है साथ में, क्या करना है बताओ? ये चावल चढ़ा दिए मैंने, तीन सीटी आई हो, ध्यान रखियो यहाँ का, तीन सीटी आएंगी और इसको बंद कर देना। अगर ये पानी ऊपर आने लग जाएगा ना तो थोड़ा सिम कर दियो इसको, ठीक है? तीन सीटी आनी है, तीन सीटी में बंद करना। अगर आप कहते हो तो मैं आपको 5 मिनट लगेगी छोड़ाता हूँ गाड़ी में। पीयूष अकेला है कहा? तो पीयूष अकेला है तो क्या हो गया? ना यार 5 मिनट नहीं लगती, बहुत टाइम लगता है। उसमें भी जाना है, ऑटो में भी जाना है बेटा, खाली क्यों पंगा कर रहा है? देख लो चाची मैं छोड़ सकता हूँ आपको गाड़ी में। क्या खा रहा है तुझे? परौंठा विद अचार। इसका ब्रेकफास्ट हो रहा है 11:18 पे। मम्मी क्या कही है कि तीन सीटी के बाद बंद कर दी, तो अभी वही वेट कर रहा हूँ मैं तीन सीटी आने का। अब दूसरी आएगी, अब तीसरी आएगी, तीसरी बार बंद कर दें। तो अभी गाइस दिन के 2 बज चुके हैं, अभी तक मम्मी नहीं आई, लेकिन मुझे भूख लग गई। लेकिन मम्मी खाना बनाए गए थे, देख लो मम्मी पूरी केयर करती कि हम लेट हो जाएंगे, तो खाना मम्मी बनाए गई थी। फेवरेट कढ़ी चावल, थोड़े चावल हम धरती माता को देते हैं, थोड़े गैस माता को, तेरे को देते हैं पहले, इतना ही खाएगा ना। कढ़ी टेस्टी लग रही है मुझे तो। तो फाइनली मम्मी और चाची आ चुके हैं मार्केट से, 3 बजने वाले हैं आज तो। चाची शॉपिंग, ओहो मस्त लग रहा है कुनाली, एकदम मस्त लग रहा है। अरे ऐसे ही करते जब भी कोई बाहर से आता है ना। इसको पता नहीं क्या हो जाता है, याद आती है इसको आपकी, सबकी याद आती है इसको जो भी जाता है। ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है? तो एप्पल स्टोर जाना है, मेरा फोन टूट गया था ना, इसको चेंज करवा के पूछ के आना है, चेंज होगा नहीं होगा, वैसे होगा इसका इंश्योरेंस तो है ही। तो एप्पल स्टोर चलते हैं और इसको फोन को चेंज करवा के आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इसमें मेरा सारा डाटा है, सब कुछ है, तो नया फोन मैं ले नहीं सकता। तो देखते हैं जो भी रहेगा, एप्पल स्टोर पे चलते हैं एक बार, पूछते हैं उनसे क्या सिस्टम है। मम्मी आज फर्स्ट टाइम यहाँ के मार्केट में गई, कैसी लगी मार्केट? अच्छी है यार। अच्छी है? नहीं इधर ना उधर। हाँ सिंपल मार्केट है। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट, फोन का पता करके आते हैं फोन चेंज होगा या नहीं होगा। और थोड़ा बहुत सामान भी लेना है घर के लिए, वो भी ले आएंगे, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है। एक्चुअली हमारे घर में कल आ रहे हैं गेस्ट, तो घर में खाने पीने का कुछ भी नहीं पड़ा, स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक चीज है, गाड़ी के ऊपर पत्ते ही पत्ते पड़े रहते हैं। तो गाइस एक बात कहनी थी, 8 तारीख को मेरा बर्थडे 8 सितंबर को, तो अगर हो सके तो तब तक 8 मिलियन करवा दो, ओनली 3-4 दिन बाकी है। बाकी कोई प्लान तो नहीं है पार्टी वार्टी कुछ स्पेशल का, बट अगर 8 मिलियन हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत टाइम के बाद अपनी गाड़ी चला के मजा आ रहा है। तो अभी स्टोर पे तो पहुंच गए, अब इनको बोलते हैं देखो फोन टूट गया। तो अभी गाइस मैं आया था ये फोन रिप्लेस कराने के लिए, जो कि यहां से तो हो नहीं रहा है, कह रहे सर्विस सेंटर पे जाओ, तो अब तो हो नहीं पाएगा। तो गाइस फोन का तो काम हुआ नहीं, फोन मैंने हरियाणा से मंगवा लिया है, पारस भी आ रहे हैं कल, तो वही ले आएंगे मेरे लिए। तो बारिश तो कंटिन्यूसली हो ही जा रही है, बस सडनली और तेज हो गई बारिश। तो अभी बिग बाजार आ गए हम, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान ले लेते हैं। अभी फिलहाल बर्तनों की शॉपिंग चल रही है हमारी, यहाँ आके भी मैगी रख दे इसको, चल 4 रख ले 4। आज हमको तेल फ्री मिला है, तेल। ओली सौदा आ गए हैं, सौदा आ गए हैं ओली। तो अभी शॉपिंग करके घर पहुंच गए हैं, घर पे आने के बाद सबसे बढ़िया एक्साइटमेंट रहती है हमको ओरियो से मिलने की, बिकॉज ये हमारा वेट करता है, ये हम पे उछलता है ना, अच्छा लगता है बहुत। आज तो मतलब 3 बार मैं आया यहाँ पे, तीनों बार इसने बहुत ऐसे किया। बाय द वे आज हमने शॉपिंग की है किचन की, वही मम्मी के लिए, मम्मी मेड तो रखती नहीं, बट मम्मी के थोड़े काम आसान करने के लिए थोड़े बहुत यूटेंसिल्स जो कि मुझे लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट होंगे मम्मी के लिए, वो मैंने लिए। चलो चलो बारिश हो रही है, फ्री का माल। ये तेल हमको गिफ्ट मिला है बिग बाजार से, कुछ मतलब कुछ पैसों की शॉपिंग करने के पे मिलता है, पता नहीं किस चीज़ का तेल है ये। आपके आपके पास एक ही पैन था ना, तो मैं आपके लिए 2 और पैन ला ये देखो बड़े मी, अगर सर्द बात ना माने तो उसके सर्द के सर पे मारने के लिए। ये लो आप इसे सब्जियां काटने के लिए भी लाया हूँ। तो मम्मी यहाँ पर बना रही है रोटी। तो इतना कुछ सामान लाए थे, कुछ मम्मी के लिए है, कुछ मेहमानों के लिए है, और 1-2 आइटम हमारे लिए बस। तो मम्मी ठीक लग रहा है आपको? कुछ फालतू सामान तो नहीं लिया ना मैंने? ठीक लिया ना? बुखार आ रहा क्या? हाँ बुखार आया है, सिर भी गर्म है। आता है बेटा, तू कह रहा था ना मेरे को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता, देख हाथ में कितने गर्म है, देख आ जा।
दिन में जो दवाई नहीं दिन ली ना उसका है ये, दो तीन टाइम लेनी पड़ती है दवाई। आ जा। तो गाइस आज तक मैं सो गया था और मेरे को बहुत तेज फिलहाल बुखार आ गया है और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और ठंड भी लग रही है, पता नहीं क्यों। पता नहीं वैक्सीन में ऐसा था क्या, मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे कोविड हो गया। जब कोविड हुआ था ना तब भी ऐसा ही फील हुआ था, हाथ में इतना पेन हो रहा है ना, ऊपर से पूरी बॉडी वीकनेस और बुखार हो गया बहुत तेज। बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग कर रहा हूँ, एडिट तो नहीं करूँगा मैं, अब सो जाऊँगा, एडिट सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे। एक बार डिनर करता हूँ, दवाई लेता हूँ, फिर सोता हूँ और आप सुबह मिलता हूँ मैं। तो अभी रात के 1 बजने वाले हैं एंड मेरा बुखार उखार सब ठीक हो चुका है, पता नहीं 1 घंटे में दवाई खा के सब ठीक हो गया और मैंने एडिट भी कर लिया है व्लॉग। पता नहीं कैसा ही बुखार है ये वैक्सीन वाला, दिन में 3 बार तो बुखार आ रहा है और ठीक भी हो जा रहा है बिल्कुल। अब मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, इसी बहाने मैंने जल्दी एडिट भी कर लिया, सुबह की टेंशन नहीं रहेगी, सुबह आराम से उठूंगा फिर मैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे कहीं नहीं जाते हम, इसको लगता है कि हम दोबारा छोड़ के चले जाएंगे इसको, अब कहीं नहीं जाते हो रही, कहीं नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे, ठीक है ओलू, कहीं नहीं जाएंगे ओलू, यहीं है हम, कहीं नहीं जाएंगे। You're